हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो टैली प्राइम की है और टैली प्राइम में हम सीखेंगे कि कैसे हम स्टॉक आइटम कितने तरीकों से बना सकते हैं। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली की विंडो आपको दिख रही होगी, दिख रही है। चलिए अब बात करते हैं आगे। अब यहां पर मान लीजिए कि हमें स्टॉक आइटम क्रिएट करना है। ठीक है, आइए एक बार चलते हैं अल्टर पर और देख लेते हैं कि कहीं हमने ज्यादा स्टॉक आइटम बनाए हो तो उसको मैं डिलीट कर दूंगा। स्टॉक आइटम पर आ गए। अब यहाँ पे देख सकते हैं एक स्टॉक आइटम हमने बनाया टाटा सॉल्ट, इसको हम डिलीट कर देते हैं। अल्ट के साथ डी प्रेस करता हूं और एंटर प्रेस कर देता हूं तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारे आइटम्स का हम एंट्री करते वक्त यूज कर चुके हैं, दैट्स वाई ये डिलीट नहीं होंगे। ठीक है, तो इनको डिलीट करना मतलब ये डिलीट होंगे नहीं। ठीक है, यहां से जाइए, ये भी डिलीट नहीं होगा तो इसको मैं छोड़ देता हूं। हम एक स्टॉक आइटम बनाएंगे और पहला तरीका स्टॉक आइटम बनाने का देखेंगे। तो टैली प्राइम में अच्छी बात यह है कि क्रिएट दिया हुआ है सबसे ऊपर। आप चले जाइए जो भी क्रिएट करना है, चाहे आपको लेजर्स बनाना हो, चाहे स्टॉक आइटम के खाते बनाने हो, या डेटर संडी क्रिएटर इन सब के खाते बनाने हो, या कोई भी चीज करनी हो, एक्सपेंसेस के खाते बनाने हो, इनकम्स के खाते बनाने हो, तो आप यहीं से क्रिएट पर जाकर के बना सकते हैं। तो क्रिएट पर चले गए और फिर यहां पर आ जाना है आपको इन्वेंटरी मास्टर्स में। ऊपर अकाउंटिंग मास्टर दिया हुआ है लेजर्स बनाने के लिए, और अगर आपको इन्वेंटरी के खाते बनाने हैं यानी कि स्टॉक आइटम के खाते बनाने हैं तो यहां पर स्टॉक आइटम के लिए इन्वेंटरी मास्टर दिया हुआ है। तो यहां पर स्टॉक आइटम पर आ जाइए, एंटर प्रेस कीजिए। यहां पर मान लीजिए हम यहां कर देते हैं टाटा सॉल्ट। ठीक है, यह कर दिया, एंटर प्रेस किया, यहां पर आ गए। अब टाटा सॉल्ट के लिए ग्रुप हमने बना रखा है। टाटा सॉल्ट किस ग्रुप में आएगा? इलेक्ट्रॉनिक तो है नहीं, इलेक्ट्रिक्स भी नहीं है, ग्रोसरी है तो ग्रोसरी हो सकता है। ठीक है, तो ग्रोसरी कर देता हूं और ये किलोग्राम में हम परचेस करेंगे। और अलग से अगर जीएसटी देना चाहते हो तो यहां से दे सकते हो, वाई प्रेस कर दीजिए। जो आइटम्स जीएसटी लॉ के बाहर रखे गए हैं उन्हें हम एग्जेम्प्टेड में लेके आते हैं, और जिन पर जीएसटी लगता है वो टैक्सेबल में आते हैं, और जिन पर जीएसटी लगता तो है लेकिन 0% लगता है उन्हें हम नील रेटेड करते हैं। तो नमक पर मान लीजिए नील रेटेड लग रहा है। ठीक है, यानी कोई भी जीएसटी लग रहा है लेकिन 0% लग रहा है। ठीक है, एंटर प्रेस किया और एंटर प्रेस कर लिया, इसको करा लिया एक्सेप्ट। ठीक है, अब यहां से बाहर आ जाता हूं। पहले से स्टॉक आइटम शुगर वगैरह भी मैंने बना रखा है तो उन पर भी हम बात करेंगे। चलते हैं अब पहली एंट्री पास करने के लिए, तो वी प्रेस करता हूं वाउचर्स में जाने के लिए, और यहां से आ जाते हैं हम सीधा कहां, परचेस वाउचर में, और यहां पर डाल लेते हैं सप्लायर का इनवॉइस नंबर। तो यहां सप्लायर का इनवॉइस नंबर आ चुका है और यहां पर वो डेट आएगी जिस डेट पर आप करेंगे परचेजिंग। ओके, फिर यहां पर एंटर प्रेस कीजिए और यहां पर ये देखिए सारी पार्टियां जो है क्रिएटर पार्टियां है, कुंदन सिंह, पुनीत सी, रितेश सी, इसीलिए इसलिए लिख दिया है मैंने ताकि आपको पहचान होता रहे। वैसे ये कुंदन सिंह भी क्रिएटर पार्टी ही है, तो एंटर प्रेस कर देता हूं। और ये जो विंडो है इसकी पूरी डिटेल आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट नंबर, डिस्पैच थ्रू, किस चीज के थ्रू ये माल जा रहा है। ठीक है, चूंकि परचेस करेंगे तो लेके जाएंगे तो किस चीज के थ्रू जाएगा। ठीक है, डेस्टिनेशन क्या है, ये सारी चीजें, मोटर व्हीकल नंबर वगैरह आप फिल कर सकते हैं। मैं इसको फिलहाल छोड़ता हूं, एंटर प्रेस करता हूं, यहां पर आ जाता हूं। परचेस अकाउंट का एक लेजर बना लेना है आपको, एंटर प्रेस कर देता हूं, मैंने पहले से बना रखा है। अब यहां पर हमने एक स्टॉक आइटम बनाया है टाटा सॉल्ट, तो यहां टी प्रेस करता हूं, टाटा सॉल्ट नजर आ रहा है, आ गया। यहां 50 किलो मान लीजिए टाटा सॉल्ट हम खरीद रहे हैं। ठीक है, और एक किलो की कीमत हमें कितनी पड़ रही है, 32 रुपए पड़ रही है, तो ये इस तरीके से 1600 रुपए अमाउंट आ गया। अब इस पर हमें टैक्स एनालिसिस देखना है, क्योंकि हमने टैक्स तो लगाया ही लगाया है इस पे, आपने देखा था कि अल्टर करके हमने टैक्स लगाया था अलग से। तो यहां पर मोर डिटेल्स पे चले जाएंगे। ये मोर डिटेल्स पे जाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली कंट्रोल के साथ आई प्रेस करना है। ठीक है, कंट्रोल के साथ आई प्रेस करते ही आपको यहां टाटा सॉल्ट नजर आएगा और एंटर प्रेस कर दीजिए। एंटर प्रेस करते ही ये लिस्ट ऑफ मोर डिटेल्स ओपन हो जाएगा, और मोर डिटेल्स ओपन होने के बाद आपको कहां आना है, नीचे आना है जीएसटी में। ठीक है, आपको यहाँ जीएसटी टैक्स एनालिसिस में आना है। ठीक है, एंटर प्रेस कर दीजिए और यहां पर एंटर प्रेस कीजिएगा तो ये देखिए यहां पर टैक्स रेट जरूर दिखा रहा है। ठीक है, यहां पे जीएसटी एनालिसिस में, टैक्स एनालिसिस में ये दिखा जरूर रहा है लेकिन कोई भी टैक्स नहीं लगा हुआ है। यहां पर देख सकते हैं टैक्सेबल वैल्यू 1600 रुपए है, लेकिन यहां टैक्स रेट और टैक्स जो टैक्स वैल्यू है यहां पर नहीं दिखाई पड़ रही है, यानी कि 0% जीएसटी लगाया, नील रेटेड यानी 0%। ठीक है, अब आ जाते हैं शुगर पर। तो शुगर पर ये ले लिया हमने शुगर, अब मान लीजिए कि 5 किलो शुगर हम खरीदना है। ठीक है, 30 रुपए किलो के हिसाब से 5 किलो की कीमत आ गई 150 रुपए। अब शुगर पे कितना जीएसटी लगा है ये हमें पता करना है, तो क्या करेंगे, यहां फिर कंट्रोल के साथ आई प्रेस करेंगे और यहां पर आ जाएंगे और फिर नीचे आकर के और फिर टैक्स एनालिसिस पे आएंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहां पर देख सकते हैं शुगर पर 150 पे 42 रुपए टैक्स लगा हुआ है, यानी कुल मिलाकर टैक्स कितना लगा, 42 रुपए लगा।
यानी सॉल्ट पे कोई भी टैक्स नहीं लगा हुआ है। तो इस तरीके से आप ये एंट्री पास कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका क्या है स्टॉक आइटम बनाने का, एक तो एक तरीका आपने देख लिया, अब दूसरा तरीका यह है कि अल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए एक स्टॉक आइटम आपको बनाना है बेसन, तो यहां लिख दिया बेसन, लिखा हमने, एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस किया और यहां पर आ गए। अब ये भी तो ग्रोसरी का ही आइटम है, तो यहां ग्रोसरी में इसे डाल दीजिए, किलोग्राम में रखिए, एंटरप्रेस कीजिए, अगर जीएसटी देना चाहते हैं तो दीजिए, यहां पर वाई प्रेस कर दीजिए, ठीक है। और यहां पर डिस्क्रिप्शन में इसका नाम डाल सकते हैं, एचएसएन कोड छोड़ता हूं। यहां पर आ जाते हैं और यहां पर इस बार कर देते हैं टैक्सेबल, ठीक है। और इस बार क्या लगाते हैं, 5% का टैक्स लगाते हैं इस पे, तो 2.5% के हिसाब से डिवाइड हो जाएगा सेंट्रल और स्टेट में। एंटरप्रेस कर दिया, एंटरप्रेस कर दिया, एंटरप्रेस कर दिया, एंटरप्रेस कर दिया, ठीक है। तो ये आ गया। अब यहां पर ये कितने रुपए किलो है, तो मान लीजिए 90 रुपए किलो बेसन बिक रहा है, ठीक है, और आपने खरीदा 12 किलो बेसन, तो ये 12 किलो की कॉस्ट आ गई। अब इस पे जो टैक्स लगा है उसका एनालिसिस हमें देखना है, तो वही कंट्रोल के साथ आई प्रेस कीजिए और फिर आ जाइए जीएसटी वाले विकल्प पर और यहां से टैक्स एनालिसिस पे चले जाइए। तो यहां पे देख सकते हैं बेसन पर कुल मिला के 54 रुपए टैक्स लगा हुआ है, 1080 रुपए का बेसन हमने परचेस किया है और 54 रुपए टैक्स लगा हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि यह बात आपके समझ में आई होगी। कंट्रोल ए प्रेस कीजिए, इसे एक्सेप्ट करा लीजिए। अब जब इस एंट्री को देखना होगा तो आपको गेटवे ऑफ टैली पर आकर के 2 बार डी प्रेस करना है और डी प्रेस करते ही एंटर जैसे ही प्रेस कीजिएगा तो ये नजर आ जाएगा। अल्ट के साथ पी प्रेस कीजिए प्रिंट लेने के लिए और फिर एंटर प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस करते ही इस तरह से ये आएगा। हम इसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो प्रीव्यू देखने के लिए आई प्रेस करना है और ये देखिए ये आ चुका है प्रीव्यू, आप देख सकते हैं, इसको मैं जूम करके दिखा देता हूं, ये आपका प्रीव्यू है, ठीक है। अब ये कंपनी का नाम है राजेश मल्टी स्टोर, आपको याद होगा, ठीक है। यहां पर ये सप्लायर है कुंदन सिंह, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है डिटेल आएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि बात आपके समझ में आ रही होगी, ठीक है। और हर प्रदेश का अपना अलग कोड होता है, जैसे उत्तर प्रदेश का 09 होता है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप किसी अन्य स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उसका अपना अलग कोड होता है, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।